डब्बे में आदमी का माल और फोन पर दुष्कर्म की धमकियां देते हैं सलमान खान के आदमी। दोस्तों थोड़ी सी आलोचना क्या कर दी, सलमान खान के फैन सीधा सामूहिक बलात्कार की धमकी देने लगे। भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अंबरसरिया और बाहर आ जैसे सुपर ड्यूपर हिट गाना गाने वाली सिंगर सोनम महापात्रा ने खुलासा किया है कि सलमान खान के फैंस ने पहले तो भर भर कर गालियां दी और उसे पेट नहीं भरा तो सीधा सामूहिक बलात्कार की धमकी दे डाली। आपको बताते हैं पूरा माजरा। दरअसल साल 2016 में अपनी फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने एक बहुत विवादित बयान दिया था। सुल्तान के थका देने वाले शॉट को लेकर सलमान खान ने कहा था कि उन्हें रेप की हुई महिला जैसा महसूस हो रहा है। उनके इस बयान पर काफी बवाल हुआ था। सलमान के बाबा सलीम खान ने इस पर माफी भी मांगी थी पर सलमान इस पर चुप्पी साधे रहे। सलमान के इसी बयान पर सोना ने उनकी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि अपने पापा से हर रोज सॉरी बोलना अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें सोना ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें मौत की धमकी मिलने लगी थी। सोना ने कहा बेहद भयानक ट्रोलिंग, मौत की धमकी और यहाँ तक कि मेरे स्टूडियो में 10 डिब्बे में पॉटी भरकर भेजी जा रहे हैं क्योंकि मैंने सलमान खान को बुरा कहा था। ये वीडियो खूब वायरल हो गया था। उस मामले को निपटाने में 2 महीने का वक्त लग गया। पॉर्न साइट्स पर मेरी तस्वीरें एडिट कर डाली जाती थी और हर रोज मुझे गैंग रेप की धमकियां मिलती थी जो बेहद डरावना था। इसके साथ ही सोना ने आरोप लगाया कि इस बात पर शक है कि सलमान खान के फैन ने नहीं बल्कि डिजिटल आर्मी ने की थी जो सलमान खान के लिए काम करती हैं। सोना ने कहा ये काम एक मजबूत डिजिटल आर्मी का है।